दोस्तों, क्या स्टॉक मार्केट एक जुआ है? क्यों 2% लोग इसमें से प्रॉफिट कमा पाते हैं और क्यों 98% लोग लॉस कर जाते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं मार्केट को लेके? क्या है ट्रेडिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका? अगर आप ये सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली क्या है और किस तरीके से लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं और क्या है बेस्ट तरीका ट्रेडिंग करने का अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण राणा और आप देख रहे हैं एमसी श्योर गेन का वीडियो ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज मैंने बोली आपको वो ये थी, क्या स्टॉक मार्केट एक जुआ है? तो दोस्तों, ये लाइन आपको बहुत सारे लोगों से सुनने को मिल जाएगी कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है और इसमें ट्रेडिंग ना करें। कौन है वो लोग, क्यों ऐसा बोलते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों, उसके पीछे का कारण है बिना प्रॉपर नॉलेज लिए ट्रेडिंग करना। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडर्स क्या करते हैं, अभी के टाइम में क्या होता है कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कहीं से पता लगता है, आपके दोस्त ने बताया या आपको आपने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा या फिर किसी वीडियो ऐड में देखा आपने, और आपके मन में भी जिज्ञासा जगी कि मुझे पैसा कमाना है, ठीक है, और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। तो आप क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाएंगे। तो अकाउंट खुलवाने के लिए जैसे ही आप किसी भी ब्रोकर को कॉल करेंगे या गूगल पे टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको ब्रोकर की डिटेल्स आएंगी और ब्रोकर को कॉल करके आप अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट अकाउंट खोलने के बाद ब्रोकर के जो मैनेजर्स होते हैं, जो रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, वो आपको फ़ोन करके कहेंगे आप इसमें फंड डालिए, फंड डाल के ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए। डायरेक्ट आप पहले दिन से ही ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो जाता है और वो फिर नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आपको मैं एक गाड़ी की चाबी देता हूँ लेकिन आपको ड्राइविंग करनी नहीं आती, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे उस चीज के? 100 में से 100% चांसेस यही है कि आप उसको कहीं ना कहीं ठोक देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ही स्टॉक मार्केट में होता है कि आप आते हैं और बिना किसी भी प्रॉपर गाइडेंस के आप ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। ब्रोकर जो हैं, जो ब्रोकरेज बिजनेस चलाते हैं, उनका मेन और फोकस किस चीज़ पे होता है? उनका मेन फोकस होता है ब्रोकरेज पे, ठीक है। अब ब्रोकरेज क्या होती है? ब्रोकरेज वो चार्ज है जो ब्रोकर आपसे चार्ज करता है पर ट्रांजेक्शन की ट्रेडिंग करने का, ठीक है। अब ब्रोकर को किस चीज़ से फायदा है? ब्रोकर को आपके प्रॉफिट या लॉस होने से तो फायदा नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो ब्रोकर के अकाउंट में नहीं जाएगा, तो आपके अकाउंट में जाएगा। अगर आपको लॉस होता है तो वो भी आपके अकाउंट से कटेगा, ब्रोकर के अकाउंट से कटेगा नहीं। ब्रोकर को तो एवरी ट्रांजेक्शन पे ब्रोकरेज चाहिए, ठीक है। तो वो ब्रोकरेज ओरिएंटेड काम करते हैं, वो तो आपको वो चाहते हैं वो कि आप अग्रेसिवली ट्रेडिंग करें, एक दिन में आप 100 ट्रेड मार दो, उनको तो फायदा है, ठीक है। लेकिन उससे आपको क्या फायदा है? तो ये जो तरीका है दोस्तों ट्रेडिंग करने का, डायरेक्ट आपने अकाउंट खुलवा के ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, कुछ से बाय कुछ से सेल करना शुरू कर दिया, वो सबसे गलत है, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि 2% लोग कमाते हैं, 98% लूज करते हैं। तो जो 2% लोग इसमें से पैसा बनाते हैं वो क्या करते हैं ताकि इससे उनको प्रॉफिट होता है? तो दोस्तों, वो करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि तकनीकी विश्लेषण। अब क्या है कि अब मैं दूसरे आपको एक दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, एक बिजनेस सेटअप करना है। मान लीजिए आपको एक किराना की स्टोर खोलना है, आपको एक स्टोर खोलना है जिसमें आपको रोजमर्रा की चीजें लोगों को देनी है, ठीक है, बेचनी है। तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जाएंगे, आप ये चेक करेंगे कि कौन सी लोकेलिटी मेरे लिए ज्यादा बढ़िया, जहां पॉपुलेशन ज्यादा हो, ठीक है। अब ऐसा है कि आपको एक दुकान खोलने के लिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आप किसी जाके खेत में दुकान खोल लें जहां पर एक भी बंदा नहीं आता, तो वहां पर आपकी अर्निंग तो नहीं होगी, वो तो नुकसान होगा, है ना। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग में आप आते हो, डायरेक्ट अपना ट्रेडिंग शुरू कर देते हो कुछ भी सोचे समझे बिना, ठीक है। कौन से स्टॉक्स बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स का बिजनेस अच्छा जा सकता है, ये सब चीज़ें देखने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के बिना अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में गैम्बलिंग कहा जाता है, यानी कि कुछ भी पता हुए बिना आप बाय कर रहे हो, कुछ भी सेल कर रहे हो, आपको कुछ नहीं नॉलेज, ठीक है। उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? 2% लोग जो पैसा कमाते हैं वो कैसे कमाते हैं? वो करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि एनालिसिस करने के बाद वो किसी भी स्टॉक में एंटर करते हैं,
ठीक है, और 98% लोग क्या कर रहे हैं, वो भेड़ चाल में चल रहे हैं, किसी ने कहा गोल्ड बाय कर दो वो गोल्ड बाय करने लग जाते हैं, किसी ने कहा SBI में बाय कर लो वो बाय करने लग जाते हैं, ठीक है, टीवी न्यूज में देख लिया या किधर उधर देख लिया, आपको पता ही नहीं है कंपनी का क्या फंडामेंटल चल रहा है, क्या टेक्निकल चार्ट पे क्या बता रही है कंपनी की डिटेल, वो सब जाने बिना अगर आप ट्रेडिंग कर दोगे तो नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस कैसे होती है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें चाहिए चार्ट, ठीक है, चार्ट किस चीज का, करंट मार्केट प्राइस का, और पिछली जो मूवमेंट है, हिस्ट्री है उस पर्टिकुलर स्टॉक की, उसका डेटा चाहिए। नॉर्मली जब आप किसी स्टॉक को देखोगे तो आपको वो उसका प्राइस दिखाई देगा, फ्लक्चुएट होता हुआ प्राइस ऊपर नीचे मूवमेंट होती हुई दिखाई देगी, लेकिन जब आप चार्ट में देखते हैं, ठीक है, तो आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक का पूरा कच्चा चिट्ठा मिलता है, यानी कि पिछले एक महीने में वो कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, कब कब किस वक्त कितना प्राइस था उस पर्टिकुलर स्टॉक का, वो सारी की सारी जानकारी आपको मिलती है, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस में एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, यानी कि मार्केट का जिस तरफ को रुख है उस तरफ अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब ट्रेंड का पता कैसे चलेगा, ट्रेंड का पता लगता है चार्ट में देखने से, ठीक है। अब ट्रेंड किस तरीके के होते हैं दोस्तों, ट्रेंड तीन तरीके के बेसिकली होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड जिसमें मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, एक होता है डाउन ट्रेंड जिसमें मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है, और एक होता है साइडवेज ट्रेंड यानी कि वहां पर मार्केट ना ही ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है, कंसोलिडेट हो रही है, ठीक है, उसको कहते हैं हम साइडवेज ट्रेंड। तो जनरली साइडवेज ट्रेंड में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर प्रॉफिट होने के चांसेस कम होते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि हम उस ट्रेंड में बैठे हैं। अब ट्रेंड की गाइडेंस हमें कैसे मिलती है उसके बारे में भी मैं बताता हूं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये चार्ट्स आपको किस तरीके से मिलते हैं। चार्ट के लिए दोस्तों आप ब्रोकर स्पेसिफिक चार्ट्स को भी यूज कर सकते हो, यानी कि जो ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आपको चार्ट मिलते हैं, ठीक है, उनको आप यूज कर सकते हो, उनसे आप चार्टिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बेस्ट चार्टिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको ऐसे चार्टिंग टूल्स को यूज करना होगा जिनमें डेटा जो है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस का डेटा आया हो, यानी कि LTP का डेटा जिसमें अपडेट हुआ हो। ब्रोकर के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनमें एक्चुअल में LTP का डेटा नहीं होता है, जो बाइंग और सेलिंग की डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन उसमें चलती रहती है, जो प्राइस पे फ्लक्चुएट होता है तो बताते हैं कि इस बायर इतने पे खड़ा है, सेलर इतने पे खड़ा, ये है वो है, तो वो जो रेंज है वो डेटा वहां पे बिड आस्क का शो हो रहा होता है, LTP का डेटा शो नहीं हो रहा। कई बार आपने देखा होगा कि आपने मान लीजिए ₹500 पे आपने SBIN की बाय करने की बिड लगाई हुई है, लिमिट ऑर्डर लगाया कि 500 जैसे आए मेरा बाय हो जाए, और आप देखोगे कि लो जो है वो 498 का दिखा रहा है लेकिन 500 पे आपका बाय नहीं हुआ, वो अभी भी ओपन खड़ा है सौदा। इसका मतलब ये है कि मार्केट में उस वक्त स्पाइक आई थी और उस स्पाइक पे ट्रेड नहीं हुआ है, यानी कि LTP उस वक्त का वो नहीं है, 498 का लो नहीं लगा है एज पर दी लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो जब अगर वो लो नहीं लगा है LTP का, उस तरफ मार्केट नहीं गई है, इसका मतलब ये है कि वो डेटा हमारे किसी काम का नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस में वो डेटा बेकार है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे सॉफ्टवेयर्स का यूज करना होगा जो कि हमें LTP बेस्ड डेटा दे सके। अब LTP बेस्ड डेटा के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आजकल जो मिलता है वो है MetaTrader 4। अगर आप MetaTrader 4 प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन लेना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको 2 दिन का ट्रायल देंगे जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके की डेटा एक्यूरेसी है। मैं श्योर हूं इस बात को लेके कि जब आप उस एक्सपीरियंस को देखेंगे तो एक्चुअल में आपके ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगी और आप अच्छे से प्रॉफिट भी ले पाएंगे क्योंकि वहां पर जो डेटा आता है वो काफी एक्यूरेट होता है, ठीक है। अब मैं टॉपिक पे वापस आता हूं, मैंने कहा था आपको ट्रेंड के बारे में कि ट्रेंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ट्रेंड के लिए दोस्तों ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हमें इंडिकेट करते हैं कि मार्केट का रुख किस तरफ है। इंडिकेटर्स को आप यूज कर सकते हो, इंडिकेटर आपको एज अ फ्रेंड का काम करता है, आपके दोस्त की तरह काम करता है। यानी कि मान लीजिए आपने कोई स्टॉक बाय करना है, ठीक है, तो जैसे ही मार्केट का ट्रेंड बाय की तरफ जाएगा एज पर द इंडिकेटर, तो
इंडिकेटर आपको इंडिकेट करेगा कि अब हम बाइंग में बैठ सकते हैं, बाइंग में एंट्री ले सकते हैं। तो जब आप बाइंग में एंट्री लेंगे उसके बाद जैसे ही ट्रेंड चेंज हो के सेल का ट्रेंड आएगा तो भी वो आपको इंटीमेट करेगा कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है, अब बाय में बने रहना खतरे से खाली नहीं होगा, बाय की ट्रेड को हमें काट देना है। तो इस तरीके से इंडिकेटर्स आपकी मदद करते हैं चार्टिंग करने में। नॉर्मल चार्टिंग आप कर सकते हैं, चार्टिंग में और टेक्निकल एनालिसिस में काफी सारी चीजें हैं, काफी सारा स्टफ है जिसके बारे में मैं धीरे धीरे आपको अगले वीडियोस में बताता भी जाऊंगा और आपको दिखाता भी जाऊंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि हम चार्ट्स यूज करते हैं, चार्ट्स की फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से होती है, लाइन चार्ट भी होता है, बार चार्ट भी होता है, कैंडलस्टिक चार्ट भी होता है, और जो जापानीज कैंडलस्टिक यूज करते हैं वो अलग अलग चीजें भी यूज करते हैं। जैसे वो सिंगल कैंडल पैटर्न यूज करते हैं, डबल कैंडल पैटर्न यूज करते हैं, ट्रिपल कैंडल पैटर्न यूज करते हैं, या फिर मल्टीपल कैंडल्स के कॉम्बिनेशन के हिसाब से पैटर्न को यूज करते हैं। जैसे डबल टॉप पैटर्न यूज करते हैं, डबल बॉटम यूज करते हैं, हेड एंड शोल्डर, ट्रिपल टॉप, बटरफ्लाई फ्लैग, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो और उनके हिसाब से मार्केट को एनालाइज कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग को परफेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों जो मैं आपको बताने चाह रहा था कि लास्ट में मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग करने का प्रॉपर तरीका ये है कि सबसे पहले आप चार्टिंग करें, एनालिसिस करें और चार्ट को पढ़ने की कोशिश करें, ट्रेडिंग करना शुरू ना करें तुरंत की तुरंत। ठीक है, आप एक कॉपी पेन पे लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप एक किसी पर्टिकुलर एक शेयर में ट्रेडिंग करके देख सकते हैं। सबसे पहले आप चार्टिंग और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से अपनी ट्रेड्स को यानी कि अपनी खुद की एक्यूरेसी को इंक्रीज करने की कोशिश करें। किसी के भरोसे पे ट्रेडिंग ना करें कि भाई मेरा दोस्त ने बताया ये बाय करना है, मेरे को ये बाय करना है, अंधभक्ति तो इस तरीके से ना करें कि भैया किसी ने बोला कि मेरे दोस्त ने बोला कि भैया मुझे बाय करना है और ये वाला शेयर बाय कर ले, ये वाला बहुत अच्छा है। तो अंधभक्त ना बने, अपने आप से काम करें, अपने आप से एनालिसिस करें, चेक करें, तब जाके ट्रेड करें। आजकल बहुत सारे फर्जीवाड़े हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि आपको बोला जाएगा कि आपको हम ट्रेडिंग करा देंगे, आपको हम प्रॉफिट करा देंगे, 1 लाख का 2 लाख का इतना डेली 10,000 का पे आउट आप निकाल सकते हो, 20,000 का, ऐसे चक्करों में ना पड़े। अगर आप, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप मार्केट से महीने में 6 से 7 हजार, मैक्सिमम 10,000 का प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, अगर आप कहो कि भाई मैं 20,000 रुपये लगाता हूँ और मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करूंगा और 20,000 रुपये मुझे अब डेली 2,000 मिल जाए या 20,000 मिल जाए, वो चीज़ की पॉसिबिलिटीज नहीं है। ट्रेडिंग करने में क्या होता है दोस्तों कि जब तक आपकी एक्यूरेसी लेवल अच्छी नहीं होगी ना, तब तक आपको प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं मिलेगी। अब मैं दूसरे कैलकुलेशन से बताता हूँ। मान लीजिए आपकी 70% एक्यूरेसी निकल के आई, ठीक है, यानी कि 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड आपके प्रॉफिट में गए और 3 ट्रेड आपके नुकसान में गए। ठीक है, तो जो ट्रेड 3 आपके नुकसान में गए हैं उनकी भरपाई करने के लिए 3 प्रॉफिट वाले ट्रेड्स को आप हटा दीजिए। ठीक है, अब आपके पास 4 ट्रेड्स बचे। 4 ट्रेड में से आप ये समझ लीजिए कि 2 ट्रेड का या 1 ट्रेड का ही समझ लीजिए, 1 ट्रेड का जो प्रॉफिट था वो आपके 10 की 10 की ब्रोकरेज में जाएगा। 1 से वैसे काम बनेगा नहीं, 2 ट्रेड आप अज्यूम करिए, 2 ट्रेड का प्रॉफिट आपका उस लॉस को कवर करने में और ब्रोकरेज के में चला गया। ठीक है, क्या बचा? 2 ट्रेड का प्रॉफिट। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 10 ट्रेड किए और 10,000 रुपए का टोटल, 1,000 का प्रॉफिट था, तो 7,000 का प्रॉफिट आपके अकाउंट में आया जिसमें से 3,000 आपके ऑलरेडी नुकसान में थे, वो कट गए, 4,000 बचे, 4,000 में से 2,000 ब्रोकरेज में चले गए, 2,000 रुपए बचे। यानी कि इस तरीके से एक्यूरेसी लेवल निकलते हैं, यानी कि 20%, अगर आपकी 70% एक्यूरेसी आती है तो आप 20% गेन कर सकते हैं उस कैपिटल का जो आपने इन्वेस्ट किया। ठीक है, 1 लाख में से कितना आपका वहां पर इन्वॉल्व हुआ उस तरीके से। लेकिन वो सब कब होगा, ये सारी कैलकुलेशंस कब काम करेंगी, जब आपके जो ट्रेड्स आपने लगाए हैं उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी। और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी होगी, एनालिसिस करनी होगी, पैटर्न्स को समझना पड़ेगा, ठीक है, कैंडलस्टिक्स के पैटर्न को समझना पड़ेगा, इंडिकेटर्स को समझना पड़ेगा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं धीरे धीरे आपको और भी चीजें बताऊंगा इंडिकेटर्स के बारे में, उनके वर्किंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आशा करता हूं जो मैंने आज आपको इंफॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज अंधाधुंध ट्रेडिंग करना बंद कर दीजिए और टेक्निकल एनालिसिस करिए, और टेक्निकल एनालिसिस आज ही से स्टार्ट कीजिए और उसके साथ ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए। किसी के भी भरोसे पर ट्रेडिंग ना करिए, किसी के भी झांसे में ना आइए, अपने खुद के बॉस खुद बनिए, ट्रेडिंग करिए अपने आप। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।